दिल्ली में ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। दिल्ली के कई नामी गिरामी रेस्टोरेंट्स में छापा मारकर पुलिस ने 500 के करीब ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर बरामद किए हैं। शुक्रवार यानी कि 7 मई को खान मार्केट में खान चाचा रेस्टोरेंट में भी पुलिस ने छापा मारा। यहां से अब तक कुल 425 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर जब्त किए गए हैं। पुलिस ने रेस्टोरेंट को सील कर दिया है। पुलिस को रेस्टोरेंट के मालिक नवनीत कालरा की तलाश है। सबसे पहले नवनीत कालरा के स्वामित्व वाले नेगे एंड जू बार से ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर की बरामदगी शुरू हुई थी। बताया जा रहा है कि जल्द ही ये केस दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर कालाबाजारी के तार खान मार्केट से लंदन तक जुड़े हुए हैं। आज तक के अरविंद ओझा और तनसीम हैदर की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया है कि जैसे ही दिल्ली पुलिस ने खान मार्केट में नवनीत कालरा के रेस्टोरेंट में रेड मारकर ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर बरामद किया, नवनीत कालरा ने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया और परिवार सहित अंडरग्राउंड हो गया। दिल्ली पुलिस नवनीत कालरा की तलाश में सबसे पहले साउथ दिल्ली के फतेहपुर बेरी के कालरा फार्म हाउस पहुंची। यहां कालरा नहीं मिला। उसके बाद पुलिस टीम सैनिक फार्म में कालरा के घर पहुंची, वहां भी कालरा नहीं मिला। दिल्ली पुलिस की कई टीमें दिल्ली और दिल्ली के बाहर कालरा की तलाश में लगी हुई है। नवनीत कालरा प्रसिद्ध व्यवसायी है जो दयाल ऑप्टिकल्स और खान चाचा, नेगे एंड जू और टाउन हॉल रेस्टोबार और मिस्टर चाउ से जुड़ा हुआ है। नवनीत कालरा ही इस पूरे गोरख धंधे का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। कालाबाजारी में नवनीत कालरा के साथ गगन दुग्गल नाम का एक शख्स भी शामिल है। अब तक नवनीत कालरा और गगन दुग्गल की जोड़ी 6 से 7 हजार ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर बेच चुकी है। वहीं एक और आरोपी गौरव खन्ना को गिरफ्तार किया गया है। वह मैट्रिक्स कंपनी का सीईओ और सीए भी है। गौरव ही कंपनी के मालिक गगन दुग्गल के कहने पर रेट तय करता था। मैट्रिक्स कंपनी के नाम पर ही ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर भारत में इंपोर्ट हुआ था। कंपनी का मालिक दुग्गल लंदन में रहता है। उसके हिमाचल के मंडी वाले खुल्लर फार्म हाउस से भी दिल्ली पुलिस ने 387 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस को ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर की जो इनवॉइस मिली है उसके मुताबिक आरोपियों को 5 लीटर का ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर 16,000 रुपए में मिल रहा था। 9 लीटर का ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर 20,000 का मिल रहा था, जिसे ये लोग 50 से 70 हजार में बेचते थे। दिल्ली पुलिस को एक पीस ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर का बिल भी मिला है, जिसे 70,700 में बेचा गया है। ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर चाइना और हांगकांग से आ रहा था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गगन दुग्गल की कंपनी के नाम पर 650 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मंगाए गए थे। इन सभी ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर का ऑर्डर गगन दुग्गल की कंपनी मैट्रिक्स की तरफ से दिया गया था। ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर ग्वांगडोंग चाइना की कंपनी ब्रांड एंटरप्राइजेस शेनजेन डेडा हेल्थ कंपनी लिमिटेड से मंगाए गए थे। साउथ दिल्ली के डीसीबी अतुल ठाकुर के मुताबिक अब तक इनमें से 120 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर बेचे जा चुके हैं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी डेविड ने। आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से देश में हालात काफी बिगड़े हुए हैं। आप लोग भी अपने घरों के अंदर रहिए, सुरक्षित रहिए। घर से बाहर सिर्फ तभी निकलें जब कुछ जरूरी काम हो। जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें तो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। जब भी मौका मिले या जब भी वैक्सीनेशन का समय आए तो वैक्सीन भी जरूर लगवाएं। और अगर आप कोरोना वायरस से रिकवर कर गए हैं और प्लाज्मा डोनेट करने के लिए एलिजिबल हैं, तो प्लीज प्लाज्मा भी जरूर डोनेट करें। शुक्रिया।